खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसमें भाजपा पार्षद से जुड़ा एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा पार्षद के पति ने नगर निगम की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा है कि हमने नगर निगम की जमीनों को चिन्हित कर लिया है और हमारा प्रयास है कि नगर निगम की सभी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। तो नगर निगम की जो जमीनें हैं उनकी हम लोगों ने मोर और लेस हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है और हम लोगों की यही कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी भी लैंड है हमारी जो उसको अतिक्रमण रहित किया जाए और वहाँ पे तारबाड़ की कार्रवाई कर दी जाए। तो कुछ एरिया में अभी तारबाड़ की कार्रवाई भी चल रही है। हरेला के पर्व के समय पे हमने पूरी कोशिश की थी कि जहाँ भी हमारे लैंड है, नगर निगम की लैंड है या सरकारी लैंड है, राजस्व की लैंड है, वहाँ पे हम पौधारोपण कर लें जिससे कि वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो।